तो मैं लेके आई हूँ मस्त सा प्यारा सा हैक। तो इसमें उन्होंने बताया कि आप सिर्फ शुगर और यानी चीनी और शैम्पू से बना सकते हो नेल पेंट। मुझे तो विश्वास नहीं होता, इतना जूम कर दिया मैंने, बट कोई नहीं। तो समय पहले मैंने चीनी ले ली थोड़ी, आधी चम्मच ली थी, और उसमें आधा पैकेट मैंने डाल दिया था शैम्पू का। तो ये कौन सी शैम्पू है, तो उन्होंने किनू को सनसिल्क नहीं आती, ब्लैक कलर की वो डाली थी, पर मेरे पास सनसिल्क नहीं थी तो मैंने डाल दी पतंजलि की। आगे मैं बता दूंगी ये कौन सी है, पतंजलि की है आंवला वाली, तो वही डाल दी थी। अब मैं इसको, उन्होंने मिक्स किया था काफ़ी, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं होगा, मुझे तो 100% से होता, पर ना इसमें देख रहे कैसा टेक्सचर बन रहा है, मुझे टेक्सचर देख करने भी बहुत मज़ा आया। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ऐसी वीडियो पर ब्लिप ना करें, बहुत ही फेक वीडियो बनाती है। तो मैंने थोड़ा जूम कर दिया, देख सकते हैं आप कैसा टेक्सचर बन गया, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ रहा था करने में, बहुत ही प्यारा लग रहा था देखना। और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, मैं ऐसे हैक के बारे में पता करती रहूँगी, जो अच्छे होंगे तो मैं आपके लिए लाऊंगी, और जो नहीं भी होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मिक्स वाई मिक्स 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 करते करते मतलब कैसा हो एयर टाइप में आ गई थी, तो बहुत प्लम्पी प्लम्पी टाइप में हो गया था, बहुत ही सॉफ्टी सॉफ्टी। तो यहाँ पे उसे मैंने रेस्ट के लिए रख दिया। तो उसके बाद इसमें क्या करना था, इसमें हमें कलर ऐड करना था, जिस कलर की आपको नेल पेंट बनानी, उन्होंने कहा उस कलर के आपको नेल कलर करना है। तो मैं गई ढूंढने जल्दी से कलर, तो मेरे पास डोम्स के लिक्विड कलर डले हुए थे, जो डोम्स के नहीं आते हैं 50-60 रुपए के डिब्बी में वही वाले कलर। तो मैं झट से गई, मैंने कहा चलो मैं भी लाती हूँ। और यहाँ तक आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा ये वीडियो। और ये डोम्स का आप देख सकते, मैंने कहा चलो ब्लैक बनाते हैं, तो मैंने ब्लैक कलर का ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं खोल रही हूँ उसे, और मैंने थोड़ी सी कितना लिया होगा, थोड़ा सा एक पेन की हेल्प से डाल लिया था, मैंने कहा हाथ क्यों गंदे करना, तो मैंने पेन से डाल लिया और उसके बाद सबको मिक्स किया। मैंने कहा तो कलर ही छोड़ गया, कलर इतना अच्छा आ गया था इसका, एकदम ब्लैक किस लग रहा था, मुझे लग रहा था कहीं नेल पेंट बन ना जाए, पर इतना बिलीव था नहीं बनेगी, मुझे पता ही था, पता नहीं क्यों बनाया मैंने, ये बनेगी कि नहीं बनेगी। तो मैंने मिक्स वाई मिक्स मिक्स वाई मिक्स फिर से किया अच्छे से सबको मिक्स, कितना ब्लैकेस्ट कलर आ गया। तो उसकी वजह से थी डॉम्स के कलर अच्छे होते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा ब्लैकेस्ट कलर आ गया था, देखना कितना प्रीटी लग रहा है ना ब्लैक कलर। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया, मैं टेक्स्चर देख रही थी कैसा हो गया इसका, कैसा था कैसा हो गया है। तो मैं इसकी आपको शैम्पू, आपने यूज की होगी नॉर्मली शैम्पू, आप कोई भी शैम्पू से बना सकते हैं। मैंने कहा चलो अप्लाई करके, उन्हें अप्लाई करके भी दिखाया, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई करके अपने एक फिंगर पे लगा लिया है फर्स्ट वाली पे। तो देख सकते हैं आप, मैंने कहा लग तो रही है कम से कम, मुझे लग रहा था लगेगी नहीं पर लग गई है। तो मैंने जल्दी से सारे में लगा ली, तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया लग कैसे गई उस शुगर, मतलब कैसे समझ ही में नहीं आ रहा है, फिर भी बना दिया, बट कोई नहीं। देख सकते हैं आप, मैंने सारी में मतलब लगा ली है, पर अच्छे से नहीं लगाई क्लीन से, तो कोई नहीं, थोड़ी वैसी थी, तो यहाँ पर मैंने लगा ली। अब मैंने लगाने के बाद सोचा मैं पागल, मुझे भी वीडियो बना रही हूँ, बट कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पे प्लांट किया, मैं कहा चलो बनी हो चाहे ना बनी हो, मैं दिखाई देती हूँ कैसी बनी है। तो यहाँ पे मैं टेक्सचर दिखा रही थी आपको, कुछ इस टाइप का है और कुछ नहीं बनता है, सब फालतू है, वेस्टिंग है, मेरी शुगर शैम्पू बर्बाद गई, तो क्या कहें। इसके बाद मैंने कहा आपको, मैं टेस्ट दिखाने के बाद मैंने कहा चलो इसे बॉटल में चेक करते हैं धुलती है नहीं धुलती है, मैंने कहा चलो इसे ट्राई करते हैं। तो मैं झट से इसे आउट किया और उसे गैन किया, मतलब पानी को रखा मैंने पानी की कटोरे को, यहाँ पे प्लांट करना नहीं बंद करना है, पर प्लांट दिखा। इसके बाद मैंने ये ऑयली पानी इसलिए क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था, तो मतलब पहले यूज़ किया था मैंने वही पानी है, तो मैंने एक बार में निकाला, मैंने कहा नहीं निकल रहा, बाद में देखा धुल गया पूरा मेरे, दूसरे बार में देख सकते हैं आप लोग कैसा धुल से गया है ना, शुक्र बनाओ उसका पेंट का कलर नहीं चढ़ा, नहीं तो मेरे नेल्स और ब्लैक ब्लैक हो जाते, वो कितने बेकार लगते ना। तो बस इसी में मैंने धो लिए, मैंने कहा फालतू है क्या कर लिया मैंने कहने के लिए। तो उसके बाद मैंने सारे नेल्स अपनी नेल पेंट रिमूव कर दी, नेल पेंट क्या शैम्पू रिमूव कर दी, शुगर रिमूव कर दी। उसके बाद मैंने धो लिए पानी से, तो मैंने कहा हूँ फालतू, तो मैं सारा वो टेक्सचर ला के इसमें डालने लगे कचरा समझ के, मैं चलो जाओ तुम पानी के अंदर, तुम शैम्पू तो पानी में जाकर मिक्स करके फैना पाऊँगी रियल से। तो मैंने जल्दी से इसमें डाल दी, मुझे मज़ा आ रहा था इसमें डालने में, मैंने पूरा पूरा बर्बाद कर दिया, मतलब पूरा सबके गिरा दिया, पता नहीं क्या किया, पूरा कबाड़ा कर दिया पूरे। यहाँ पर मैं कर रही हूँ लो,
मैंने इसे अच्छे से पता नहीं क्या कर रही हूँ जी कर वो तो घुली रही थी, पर मैंने इसे ब्रश की हेल्प से खोला और धो दाग मैंने साफ़ कर लिया। चलो आपको साफ़ करके भी दिखा देती हूँ, अगर मम्मी डांटेगी नहीं तो आपकी, तो साफ़ करके मैंने जल्दी जल्दी से दिखा दिया। और ये सब हैग वैग और उसके में वॉचिंग इतनी ज़्यादा थी, मानूंगी नहीं आप लोग, 2 लाख प्लस, मतलब 2 लाख प्लस थी वॉचिंग। मैंने कहा यार बन गई होगी, मैंने कमेंट में भी पढ़ा, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने जल्दी से इसे मिक्स किया, अब मैंने कहा चलो मैं ब्लैक के साथ तो मैं इसमें भी हाथ डाल लिया। मैंने लुक खेलने लगी मैं तो अपना मस्त हूँ, तो यहाँ पर मेरी लग गई थी, मैंने यहाँ पर क्लीन किया। खेलने के बाद मैं आपको शैम्पू दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन सा शैम्पू लिया था। आपको अगर वैसा चाहिए हो तो वो बहुत अच्छे शैम्पू, से इतनी सिल्की बाल हो जाते हैं, बहुत ही प्यार लगता है। नेल्स का तो कुछ नहीं हुआ, ना नेल पेंट बनी है, पर शैम्पू बता देती हूँ मैं तो। ये मैंने हाफ ही वही कटी कटाई ली थी, मतलब जो मैंने ली थी, तो ये पतंजलि की है, देख सकते हैं आप। ये है केश कांति नेचुरल, हाँ ये केश कांति नेचुरल है। और इसके बाद मैंने अपने हैंड पे थोड़ा डाला, वो जो इस टाइप में आती है जेलिश थोड़ा टाइप कलर है, और इसमें ना शाइनी पार्टिकल है, थोड़ा यहाँ पे वाइट ज़्यादा लग रहा है बट शाइनी पार्टिकल है, बहुत शाइन करती है। मैंने पूरे हाथ पे कर फैला के दिखाया है, तो बहुत ही शाइनी पार्टिकल है, बहुत अच्छी शैम्पू, इतनी सिल्की बाल हो जाते हैं, एक एक रहता है, आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो रहती है नीड, पर अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते डेली बेसिस पर तो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ इस टाइप में है। और इसके बाद मैंने सारा वॉश कर लिया है, अब तो मैं हम लोग को एंड बाय बाय, यहाँ तक देखने के लिए कुछ नहीं हुआ है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।